न्यूटन फिल्म देखी है आपने? अरे भाई, एक्टर राजकुमार राव वाली इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भेजी गई ऑफिशियल एंट्री थी वो फिल्म। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए, कोई नहीं आएगा वोट देने, मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। फिल्म में बताया गया है कि कैसे इलेक्शंस के वक्त दूर दराज इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में कैसे हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ता है। वोटिंग मशीन एक खिलौने जैसा है, जो पसंद आए, अच्छा लगे, वो बटन दबा दो। फिल्म स्क्रीन पर आप जिन गांव वालों को, जिन आदिवासियों को देखते हैं, वो छत्तीसगढ़ के कोंगरा गांव के हैं। तो छत्तीसगढ़ इलेक्शन की कवरेज के दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना उस गांव में जाया जाए और देखा जाए कि उनकी रियल वोटिंग और रियल वोटिंग में क्या फर्क होता है। और यकीन मानिए कि उस गांव की तरफ जाते वक्त, जंगलों से निकलते वक्त, मुझे वैसा ही लग रहा था जैसा न्यूटन का किरदार निभाते हुए राजकुमार राव को लग रहा था। न्यूटन फिल्म बना के हम आए तो हम ऐसा लग रहा था कि हमारा गांव में कुछ सुधार विकास आएगा, लेकिन हमारा फिल्म देश विदेश तक प्रचार प्रसार हो गया, पर यहां का विकास ना जैसे तैसा, कोई प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ व्यवस्था नहीं है सर पानी पीने के लिए। झरिया पानी लाते हैं, 2 किलोमीटर दूर होता है पानी लाने में भी। कैसा पानी होता है वो? वो पूरा गंदा रहता है सर। वही पानी पीते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे भी और सयान भी, सब जन वही पानी पीते हैं, भोजन भी वही करते हैं। इनको यहाँ लगभग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है खेत में, और खेत में एक गड्ढा बनाया हुआ है, उस गड्ढे में जो रात भर में जो पानी वहाँ पर आता है रिस के, उस पानी को ये लोग लाकर पीते हैं। 8 हैंडपम्प हैं, लेकिन उसमें कई हैंडपम्प, 6 हैंडपम्प में तो फ्लोराइड का पानी आता है। गाँव में हम लोग ये समझाएंगे कि वोट करना जरूरी है, बोल के हमारे गाँव वाले को समझाएंगे कि वोट करने जाएंगे और जिस आदमी प्रत्याशी को चुनेंगे हमारा गांव का विकास अच्छा करे, यही करके हम लोग गाँव का घर घर में जाके हम समझा देंगे। अरे साहब, ऐसा है कि फिल्म तो फिल्म है, अब फिल्म आई बनी, हम लोगों ने काम किया, फिल्म बनी और चली भी गई। हमारा स्थिति आज तक नहीं बदला, हमारे आदिवासी भाइयों की स्थिति नहीं बदला, ना गांव की स्थिति नहीं बदली, ये कुछ बदले तो बात है। न्यूटन फिल्म में एक डायलॉग है, अगर कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त तो कुछ नहीं बदलेगा। काश हमारे पॉलिटिशियंस भी ये बात समझ पाए। मेरे से पहले, बहुत पहले भी एक न्यूटन था, पढ़ाई करते वक्त कभी उसकी बात समझ नहीं आई, पर अब काम करते वक्त आ रही है कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा।